जोहार नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रेजिस ज्योति केरकेट्टा है, मैं झारखंड से हूँ। चलिए हम लोग आज मसालेदार मछली बनाएंगे, रोहू मछली बनाएंगे। और हम कैसे बनाते हैं आप लोगों को हम दिखाते हैं। मछली बनाने के लिए हम 2 केजी रोहू मछली लिए हैं, 4 गांठ लहसुन सिलवट्टे में पीस रखा है, काला और पीला वाला 4 चम्मच सरसों लिए हैं, 8-10 लाल मिर्च लिए हैं। मछली को अब हम लोग मैरिनेट करेंगे। इसमें हम लोग नमक डालेंगे, लहसुन डालेंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इन सबों को अच्छी तरह से मिलाएंगे। इसको अच्छी तरह से मिला लिए हैं, अब इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 8 चम्मच तेल डाले हैं। मछली फ्राई करने के लिए तेल ज़्यादा लगता है, हम लोग 8 चम्मच तेल लिए हैं। इसको अच्छी तरह से गर्म होने देंगे, उसके बाद हम लोग मछली फ्राई करेंगे। तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है, इसमें अब हम लोग एक एक करके मछली डालेंगे। मछली ज़्यादा ताव में नहीं पकाया जाता है, मीडियम ताव में हम लोग पकाएंगे, जिससे अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए। इसको हल्का ब्राउन होने तक हम लोग तलेंगे। एक साइड ब्राउन हो गया है, अब इसको हम लोग पलट देंगे। मछली दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, अब हम लोग इसको एक एक करके निकालेंगे। हम लोग को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इस तरह का ही फ्राई करना है। इसी तरह सभी मछलियों को हम लोग फ्राई कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने सभी मछलियां तल के रखा है, अब हम लोग मसाला तैयार करेंगे। 1 चम्मच पचफोरन डालेंगे, इसको अच्छी तरह से चटकने देंगे। मीडियम साइज का 2 प्याज है, इसे हमने कद्दूकस कर लिया है।
हरी मिर्च है 4-5, इसको हल्के ब्राउन होने देंगे। चार छोटे साइज के टमाटर हैं, डाल रहे हैं। टमाटर गलने के लिए नमक डाल देंगे। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। खड़े मसाले जो सरसों और जीरा हमने पीस के रखा है वो डाल देंगे। लहसुन डाल देंगे 1 छोटा चम्मच। गोल मिर्च पाउडर डालेंगे। हल्दी डालेंगे 1 चम्मच आधा। धनिया पाउडर डालेंगे 2 चम्मच। अब इसको अच्छी तरह से खूब भूनेंगे। तेल अलग होने तक भूनेंगे इसको। ये देखिए दोस्तों, हम लोग का मसाला भून रहा है। हम लोग अच्छी तरह से खूब भूनेंगे। तेल अलग होने तक खूब अच्छी तरह से भूनेंगे इसको। ये देखिए दोस्तों, हम लोग का मसाला भून चुका है। इसमें हम लोग अब पानी डालेंगे। इसमें हमने गरम पानी डाल रहे हैं। आप अपने अंदाज से डालिएगा पानी। हम लोगों को ज़्यादा ग्रेवी की ज़रूरत है। एक उबाल आने देंगे, उसके बाद हम लोग सभी मछलियों को डाल लेंगे। देखिए उबाल आ गया है, अब हम इसमें सभी मछलियाँ डाल लेंगे। अब इसको हम लोग नरम होने तक पकाएंगे। ढक के नहीं पकाएंगे दोस्तों, इसको खुले ही पकाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हम लोग मछली पक गया है। और इसमें हम लोग धनिया पत्ता डालेंगे। ये देखिए दोस्तों, हम लोग का मछली तैयार है। मछली चावल हम परोस लिए हैं। आइए आप लोग भी खा लीजिए।